ये एक बार इन्होंने जिक्र किया था अगर मेरे बर्थडे पे अगर सन्नी भी आ जाए तो यार बड़ा मजा आ जाए। माहौल खराब नहीं करा, हल्ला नहीं मचाया। ये है संदीप, और संदीप के बारे में अच्छे से बताऊंगा। आज की वीडियो कम से कम 100 मिलियन जाएगी, इसलिए जाएगी कि जो दोस्त दोस्त से प्यार करता है ना भाई, अपने जो जान वारता दोस्त दोस्त के लिए, इसने भाई क्या बताऊं भाई, आई लव यू सो मच छोटे। जनता को बताना पड़ेगा, छोटे के घर पे आया हूँ, छोटा सैलून पे जॉब करता है, मेरी कटिंग कर रहा था, कटिंग करते करते होगा इमोशनल, बताया ना। मैंने कहा बता भाई, कह रहा भैया जन्मदिन है घर पे आना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मेरा नहीं है, मेरे जिगरी दोस्त का है, ये खड़े इसके जिगरी दोस्त। कैसा बाबू यार, ये इतना प्यार करता है तुमसे, इसने आपके लिए रिक्वेस्ट करी? हम दोनों भाई हैं, बचपन से एक साथ रहते हैं, और जितना मैं प्यार करता हूँ उतना ही मेरे से प्यार। तो ये जो इसने फर्ज निभाया है, एक जिम्मेदारी निभाई है, एक दोस्ती का पूरा एक 100% प्योरिटी निभाई है, तो क्या तुम भी पूरी जिंदगी के साथ ऐसे खड़े रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं, और आज कदम से कदम मिला के भी। ऐसा क्या है संदीप तेरी जिंदगी में, इस भाई का रोल अहम रोल, कि तू इसके लिए इतना इमोशनल हो गया और तूने मेरे से रिक्वेस्ट कर दी कि बर्थडे पे आ, तो अपने बर्थडे पे नहीं बुलाया, इसके बुला लिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई, मतलब हर जगह, मतलब जहाँ कोई नहीं खड़ा होता वहाँ यही खड़े होते हैं, हर जगह सलाह देते हैं, मतलब गलत हो तो गलत में गलत बोलते हैं। अच्छा जी, और मैं छोटा था जब से सलाह दे रहे हैं। अच्छा। मैं सैलून लाइन में घुसा था तो सलाह देने में इनका बहुत महत्व है उस चीज में। तो उम्र आपकी दोनों की बराबर है? ये मेरे से, मैं तो इनके सामने काफी छोटा हूँ। अच्छा, मैं 26 का हूँ। और ये नहीं, ऐसा क्यों कि तूने एक लाइन और बोली थी कि सन्नी भैया आप आ जाओगे तो उसकी जिंदगी में, मतलब बिल्कुल, ये एक बार इन्होंने जिक्र किया था अगर मेरे बर्थडे पे अगर सन्नी भैया आ जाए तो यार बड़ा मजा आ जाए। तो मैंने इनको बोला नहीं कि मैंने चलो एक बार ट्राई कर लेंगे, मैंने भैया हमारी बात रखेंगे, तो भैया ने हमारी बात रखी, भैया ने हमारी बात रखी, वही बहुत बड़ी बात है। और आप इनकी बातों से आप आ गए तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं, नहीं, जो आपकी दर्शन प्राप्त। बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये दोस्ती ना एक ऐसा खून का रिश्ता होता है जी, जब कोई दोस्त बीमार पड़ता है ना जी, तो साथ में 3-4 दोस्त नहीं, सिर्फ एक ही दोस्त खड़ा मिलता है। बिल्कुल सर, ये आज तुम्हारे भाई ने साबित कर दिया। बिल्कुल सर, और तुमने भी जिंदगी में कोई भी सुख दुख का मैटर हो, हम सारे साथ में ऐसे खड़े रहना है। बिल्कुल, क्योंकि 10 साल बाद भी मैं कुछ पूछूंगा ना आपसे, बिल्कुल सर, ये सुनने को ना मिले कि अलग हो गए। नहीं नहीं सर, क्योंकि आजकल की जो दोस्ती है ना, मिनट से पहले खत्म हो रही है, मिनट से खत्म हो रहा है सर, हमारे में ऐसा कुछ है नहीं। 20-20 साल का प्यार खत्म हो रहा है। बिल्कुल सर, मैंने 20 साल का प्यार खत्म हो रहा है। ये दिल का रिश्ता है सर, और कभी भगवान न करे खत्म हो, कोशिश ही करते हैं कि जो बातें होता है बिल्कुल एक टू जेड भाई के सामने रखते हैं। कभी मुझे बोलता है कि भाई ये चीज करूंगा, जो चीज गलत होता है उसको गलत बोलते हैं, सही होता है उसको सही बोलते हैं, तो जो समझ जाता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो समझ गया, बात मान गया, ये चीज होती है सर। तो भाई कौन दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है जो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है, उसको अपने दोस्त का नाम कमेंट करो, टैग करो, और इतनी ही जान वारना कि उसको कभी फील ना हो कि भाई मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ये देख लो जी, जय वीरू की जोड़ी, ये शर्मा रहा है, इसने आज मेरी अजीब सी दाढ़ी कटवा दी और हंस रहा है। तो भाई ये रही जैसे जय वीरू की जोड़ी, और ये रही एक नई जय वीरू की जोड़ी, ये हमारी प्यारी बहन है, ये संदीप भाई की वाइफ है, और ये इनके संदीप भाई के बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनके बारे में बताओ, रिंकू भाई है, ये भी छोटू भाई है, वैसे हर चीज में इनका भी ज्ञान रहा है, इनको तो मैं काफी टाइम से मतलब मेरे। अच्छा, और ये हमारे एक दूसरे सारे सब ये सैलून में अपने नंदन भाई है, ये अपनी मतलब जहाँ हेल्प चाहिए होती है वहाँ हेल्प देते हैं। तो ऐसा क्या जीवन में इसके लिए तुम और करोगे भाई के लिए जो तुम्हें सुकून मिलेगा, और कुछ है सपना है तुम्हारा इनके लिए करने का? बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जिस जगह मतलब इन्होंने साथ दिया वहाँ पे किसी ने नहीं दिया, तो अब तो ये है ठीक है जैसे इन्होंने बोला उस तरीके से चल लो। अभी बीच में मैं सोच रहा था कुछ करूँ, मैं फ्लैट वगैरह के किस्तों में फंसने जा रहा था, इन्होंने बोला रुक जा थोड़े पैसे जोड़ फिर ले लियो, बाकी थोड़ा कर्जे से बचा लिया भाई, ये लोन पे कुछ लेने जा रहे थे, इन्होंने सलाह दी। और असली दोस्त यही होता है भाई, जो भाई अपने दोस्त को मुसीबत में ना डाले, और कई सारे दोस्त देखे जो डंकी टोटे पे कहते हैं कर 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 कर, उनका टेंशन में ध्यान कहीं और होता है, कर 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 कर। जैसे मेरे से ये 7-8 साल छोटा है, सन्नी भैया ये बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा बेटा तू 10 साल छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो समझ आ जाएगी तेरे को बेटा। जैसे उम्र में छोटा मेरे से कम है तो कभी कभी जोश में होश खो बैठता है, ये तो समझाना पड़ता है इसको। अगर आप भी उम्र में बड़े हो, आपका दोस्त की जो एज आपसे कम है, तो उसको समझाओ आप, और ऐसा नहीं कि छोटे बंदे की बात अच्छी नहीं होती, छोटा भी आपको समझा सकता है। तो भाई आप जन्मदिन मनाएंगे, भाई को केक खिलाएंगे, मुंह पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, आपकी इच्छा है सर, नहीं मुंह पे नहीं लगाएंगे। तो भाई प्यारी सी जिंदगी है, एक प्यारा सा केक, और ये प्यारा सा मेहनती भाई, ये इनका दोस्त, ये इनकी प्यारी सी धर्मपत्नी। और संदीप एक बात बोलूंगा बेटा, हाँ जी सर, ये जो तेरा घर है ना, हाँ जी, तेरी जो मेहनत मैं देखता हूँ, हाँ जी, बहुत तो दिल का साफ है, भगवान तेरी सुनेगा। ये जो मैं कमरा देख रहा हूँ, ये 2 साल बाद मैं इसको ऐसा घर देखूँ, ऐसा घर देखूँ कि तू मेरे को बोले भैया और रिबन कटिंग करने आओ। हाँ बिल्कुल, आप अगर, क्योंकि जिस इंसान का सच्चा दिल होगा ना बेटा, वो मेहनत से बहुत बड़ा घर बना लेगा। और ऐसा नहीं कि छोटे घर का, छोटा घर घर नहीं होता, घर होता है, लेकिन आप ईमानदारी से चलोगे ना तो आपका घर बंगला बनेगा। जन्मदिन पे इसने आपको क्या तोहफा दिया? मेरे लिए सबसे बड़े तोहफे ये कि खुश रहे हैं।
और इनसे बड़े तोहफा दे रहा सामने जो सो रहा है हमारे छोटा। अच्छा तो भाई ठीक है, अपने लिए प्यार मोहब्बत ज्यादा चीज है, बाकी तो कोई चीज नहीं। तुमने क्या तोहफा दिया अपने भाई को? भाई को तो तोहफा क्या दे, भाई के पास सब कुछ है, प्रसाद में खड़े हैं, कोशिश हौसला देते देते हैं मुझे, कहते तो मैं भी देता। चलो चलिए जाके कटवाएंगे कि हेड कर साथ में आओ। आ रहा भाई संदीप। हैप्पी बर्थडे छोटे भाई, आई लव यू छोटे भाई। ये देखो भाई कितनी प्यारी लाइफ है कि ना दारू पार्टी ना कुछ, दारू तो नहीं पीता बेटा? नहीं कुछ नहीं दारू, कुछ नहीं। और ना ही कुछ हंगामा, सिंपल प्रोग्राम, सिंपल सा केक कटिंग और उसके बाद भगवान के दर्शन जी। कितना प्यारा एक सेलिब्रेशन है भाजन, एक यूनिक तरीके से, मतलब एक भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद लगा हुआ है इनको यार, कि पैसा बर्बाद भी नहीं करा, कोई तगड़ी पार्टी वार्टी नहीं करी, माहौल खराब नहीं करा, हल्ला नहीं मचाया। क्या तुमने कुछ बताया मंदिर में तुमने क्या किया है? अरे वाह जय माता दी, ये सारा पेंट आपने किया? सारा हम लोगों ने करा सर। आपने छोटू ने? नहीं मैंने, सबने मिलके वो जो मेन है ना बिंटू भैया ना, तुम्हारा पेंट का काम नहीं है लेकिन तुमने फिर भी करा, कैसे करा पेंट का काम? पेंट का काम नहीं है तो दिल और भाव से करा और हो गया जी सब, मतलब भारत देश में कोई भी काम रुक नहीं सकता। हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी नमस्ते, ठीक हो पंडित जी? ये सारा तुमने किया है? सारे तो ना आते हुए तुमने कर दिया? पंडित जी क्या बोलोगे बच्चों के लिए? बड़ी अच्छा मेहनत दिया बच्चों ने। कितने दिन लगे तुम्हें करने में? हमें सर ये 9 महीने से काम चल रहा है। और 9 महीने से लगे हुए? 9 महीने। जिसको भी दर्शन करने कर सकते हो, बहुत सुंदर मंदिर है, दिल खुश हो गया, आत्मा को सुकून मिल गया, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, जो नौ देवी आती है ना माता रानी का, हाँ जी, वो ये सारी जो है लाइन से माता रानी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इधर से जो क्या शिव शक्ति पीठ मंदिर जो है ना जी, वो है वैष्णो माता। अच्छा विराजमान है।